गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की डेट है 16 मई एंड डे है सैटरडे। क्लास फिफ्थ CW चैप्टर 2 रोमन नंबर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 1 आपने पूरा नोटबुक में फिनिश कर दिया होगा। चैप्टर 1 आपको अच्छे से आ गया होगा, जो आपने होमवर्क में दिया होगा वो होमवर्क भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है रोमन नंबर। सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, लेफ्ट में डेट करना है। और ये नया चैप्टर है इसीलिए आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। चाहे आपके पुराने पेज में आधा पेज ही क्यों ना बचाओ, लेकिन उस पेज से आपको नई एक्सरसाइज नहीं करना है। ध्यान रखिए, हमेशा नया चैप्टर या नई एक्सरसाइज आप नए ही पेज से स्टार्ट करना। और ये सारी आपको हेडिंग मेंशन करना जरूरी है, CW चैप्टर 2 उसका नाम, देन एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मैंने आपको सबसे पहले इसलिए बोला था आपको 1 से 1000 तक रोमन नंबर याद होने चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द रोमन न्यूमरियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक नंबर। देखिए आपको क्या लिखना है, रोमन नंबर, और यहाँ आपको क्या दिया गया है, हिंदू अरेबिक नंबर। यहाँ देखिए बी वाला क्या है, 189 मतलब 189 को आप देखोगे तो 100 प्लस 80 प्लस 9 होता है 189, यही होता है एक्सपांड फॉर्म। तो पहले आप 100 का कितना होता है सी, उसके बाद क्या 80 का कितना होता है एल ट्रिपल एक्स, और 9 का हो गया 19। तो 189 का कैसे हो गया है सी एल ट्रिपल एक्स आई एक्स, ये हो गया 189। ऐसे 365, पहले आप 365 को लिखेंगे तो 365 का कितना हो गया 300 प्लस 60 प्लस 5। अब देखिए 300 मतलब जब 100 का सी होता है तो 300 का कितना हो गया ट्रिपल सी, 60 का हो गया एल एक्स और 5 का हो गया बी। ठीक है, तो 365 का कितना हो गया ट्रिपल सी एल एक्स वी, तो ये हो गया आपका 365 का। जे वाला देखिए 466 का कितना था 400 मतलब 500 से 100 पहले, तो सी डी एल एक्स वी आई, ये हो गया आपका 466। 1 के 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बाकी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरियल्स करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या दिए गए, ये रोमन नंबर दिए गए, आपको क्या लिखना है हिंदू अरेबिक नंबर, मतलब जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ देखिए सेकंड का सी क्या दिया, सी एक्स एल वी आई, सी एक्स सी मतलब 100 और एल एक्स मतलब सी मतलब 100 और एक्सएल मतलब 40, क्योंकि L होता है 50 और X इससे पहले मतलब 10 नंबर पहले, तो 40 और VI होता है 6, तो C X L VI हो गया 146। इसका F वाला देखिए डबल C L I X, डबल C मतलब 200, L मतलब 50 और I X मतलब 9, तो ये तो कितना हो गया, ये डबल C L I X का हो गया 259। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 से मैंने करा दिए, बाकी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, इसमें से आपको रोमन नंबर देखिए कौन सा रोमन नंबर मीनिंगलेस और कौन सा रोमन नंबर है। यहाँ देखिए सी वाला आई एल, एल का तो 50 होता है लेकिन आई का क्या होता है, आई का तो कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये हो गया आपका मीनिंगलेस, मतलब कोई मीनिंग नहीं है। एच वाला देखिए 4 बार सी है एक्स वी आई, 4 बार सी तो किसी का भी नहीं होता है, ये हो गया आपका मीनिंगलेस। आई वाला देखिए सी एल आई वी है ना, सी एल सी एल मतलब ठीक है, ये देखिए आपका एल एल आई वी, डबल एल तो किसी एक एल होता है 50 का लेकिन डबल एल किसी का नहीं होता, तो यहीं से पता लग गया आपका मीनिंगलेस। एक और देखिए एफ वाला सी वी, सी किसका होता है 100 और वी होता है 5, तो ये क्या हो गया 105, मतलब ये आपका मीनिंगफुल है, तो यहां मैंने लिख दिया यस। बाकी सारे इसको आपको करने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंपेयर, पहले आपको कंपेयर करना है, पुट द करेक्ट सिंबल में से दोनों देखिए, एक्स सी ट्रिपल आई, एक्स सी ट्रिपल आई कितना होता है, एक्स होता है आपका 10 और सी होता है 100 मतलब 90 93, सी एक्स ट्रिपल आई। ठीक है, इन दोनों का रोमन नंबर देखना है, उसके बाद इनका हिंदू अरेबिक नंबर क्या होता है वो लिख के आप साइन पुट करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बुक में ही करना है। देखिए आज मैंने करा दे, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने करा दिए, फोर्थ आपको करना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड के जितने सम बचे हुए वो आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके नोटबुक में होंगे।